फोर्थ प्लेस जिसे सीपी के नाम से जाना जाता है, इसे लोग दिल्ली का दिल भी कहते हैं। आम भारतीय के लिए ये दिल्ली में खरीदारी का स्वर्ग है। हर बजट की चीजें वहां आसानी से मिल जाती है। विदेश से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी ये फेवरेट जगह में से एक है। वहाँ भारत के बाजार से लेकर देश के अलग अलग शहरों कस्बों में तैयार होने वाले प्रोडक्ट के नमूने भी मिल जाते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं और आसपास के लोगों से बात करते हैं तो मालूम होता है कि एक छोटा इंडिया तो वही घूम रहा है। कोई कन्याकुमारी से तो कोई कश्मीर से वहाँ घूमने और पसंद का सामान खरीदने आया हुआ है। वहाँ पर जितनी दुकानें हैं उसका लाखों रुपए किराया है और उसका मालिक हर महीने रेंट की वसूली भी करता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे इस जगह के इतिहास के बारे में। 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कनॉट प्लेस 5 साल में बनकर तैयार हुआ था। उसका नाम ब्रिटिश शाही व्यक्ति ड्यूक ऑफ कनॉट और स्ट्रैथर्न के नाम पर रखा गया था। आपको बता दें कि इसके आर्किटेक्चर डिजाइन का क्रेडिट ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉड रसेल को जाता है, जिन्होंने ब्लूप्रिंट बनाने में निकोलस के साथ सहयोग किया था। रसेल को कनॉट प्लेस के वास्तुकला अवधारणा के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है, जिसने इंग्लैंड में रॉयल क्रिसेंट और रोमन कोलोसियम जैसी नोटेबल स्ट्रक्चर से प्रेरणा ली। भारत की आजादी के बाद सीपी व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों दोनों के लिए एक केंद्र में बदल गया। आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा कीमत वाले कमर्शियल जिलों में से एक है। वास्तव में अगर आप इस एरिया में काम करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप विश्व स्तर पर सबसे महंगे एरिया में से एक में काम कर रहे हैं। इन इमारतों का ओनरशिप आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण रहस्य बना हुआ है, जिससे कई लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर इसका मालिक है कौन। आपको बता दें कि कानूनी तौर पर देखा जाए तो इसका मालिक भारत सरकार है। आजादी से पहले इस जगह की ज्यादातर प्रॉपर्टीज कम दरों पर किराए पर दी जाती थी, अक्सर केवल कुछ 100 रुपए। पुरानी दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत आजादी से पहले किराए पर दी गई प्रॉपर्टीज बेस प्राइस से प्रति वर्ष 10% की किराया वृद्धि के अधीन थी। इस संबंध में अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि अभी किराए की रकम क्या होगी। वैसे सोशल मीडिया पर यूजर्स दावा करते हैं कि इसका किराया करोड़ों में होगा। कुछ यूजर्स कनॉट प्लेस के मालिक का भी दावा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा पे एक यूजर ने जवाब दिया कि कनॉट प्लेस में कई मालिक हैं। संपत्ति के हिसाब से देखें तो भारत सरकार ही इस जगह की असली मालिक है।